मूवी के स्टार्ट में हम स्पेंसर नामी एक कैब ड्राइवर को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के सामने पैसेंजर्स का वेट कर रहा है अपनी गाड़ी में बैठ के। उसके मोबाइल फोन में पैसेंजर रिक्वेस्ट आती हैं, जिनमें से वो मेल पैसेंजर्स की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है। वहाँ वो कैमी नामी एक लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अराइवल्स की तरफ पहुँचता है। अब वो कैमी को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में कैमी अपनी मदर को वीडियो कॉल करती है। कैमी की मॉम उसे बेस्ट विशेस देती हैं और पास्ट में अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स के बारे में बताती हैं। दरअसल कैमी के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी होती है और कैमी कुछ अरसा अपनी मदर के साथ रहती है और कुछ अरसा अपने फादर के पास, और इस दफा वो अपने फादर के पास जा रही होती है। कॉल एंड होने के बाद कैमी स्पेंसर से बातें करने लगती है। स्पेंसर उससे बातें करता रहता है, जिसके बाद कैमी उसको बताती है कि वो अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाह रही है। कुछ देर बाद कैमी की आंख खुलती है तो स्पेंसर उससे पूछता है कि क्या उसको अच्छी नींद आई। कैमी उसको कहती है नहीं, और इसके बाद स्पेंसर उससे और ज्यादा बातें करने लगता है। इन सब बातों को कैमी बहुत ज्यादा वियर्ड समझती है और वो बहुत अनकंफर्टेबल होने लग जाती है। स्पेंसर की बातों से उसको बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है, जिसके बाद वो अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाल के हाथ में पकड़ लेती है। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए वो अपने फादर को भी टेक्स्ट कर देती है कि उसको अपना कैब ड्राइवर ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर स्पेंसर कुछ अजीब बातें कर ही रहा होता है। चलती गाड़ी में वो अपने कानों में ईयर ड्रॉप्स डाल रहा होता है। इस तरह की बहुत अजीब अजीब हरकतें स्पेंसर करता रहता है। ड्राइव करते हुए स्पेंसर कैमी को बताता है कि यहाँ पास ही हंटिंग होती है, जिसके जवाब में कैमी उसको बताती है कि उसको गन्स नहीं पसंद। यहाँ स्पेंसर उसको बताता है कि उसको हंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसको भी गन्स नहीं पसंद, बल्कि वो बो एंड एरो का इस्तेमाल करना पसंद करता है, और ये भी बताता है कि इससे लोग जल्दी मर जाते हैं। इस पर कैमी उससे पूछती है कि वो किस चीज की हंटिंग करना पसंद करता है। स्पेंसर उसको बताता है कि उसको हंटिंग करने के लिए जानवर और लोग पसंद है। अब इस बात को सुनकर कैमी बहुत ज्यादा डर जाती है। ये देख के स्पेंसर हंसने लगता है और उसको कहता है कि वो मजाक कर रहा था। इसके बाद स्पेंसर कैमी की जो प्रोफाइल पिक्चर होती है उसकी भी तारीफ करता है। इसके बाद कैमी नोटिस करती है कि स्पेंसर उसको किसी और ही रास्ते से लेके जा रहा है। कैमी स्पेंसर को बताती है कि वो किसी और रूट पे जा रहा है, और चूंकि वो इस रास्ते पहले आ चुकी है तो उसको पता है कि ये रास्ता ठीक नहीं। स्पेंसर कैमी को अपने मोबाइल फोन की ऐप दिखाता है और बताता है कि उसका फोन यही रूट शो कर रहा है। ये देख के कैमी काफी रिलैक्स हो जाती है और ये लोग अपनी ड्राइव कंटिन्यू रखते हैं। वहाँ पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद स्पेंसर का फोन ग्लिच करके ऑफ हो जाता है। साथ ही उनको ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी के सामने कोई आया है, जिसके बाद स्पेंसर गाड़ी की ब्रेक्स जोर से दबाता है और गाड़ी रुक जाती है। ये दोनों डर जाते हैं और इसके बाद स्पेंसर गाड़ी से उतर के देखता है कि ये कौन है। बाहर निकलने पे स्पेंसर को कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद वो गाड़ी में वापस आके बैठ जाता है और अब दोनों डर रहे हैं। स्पेंसर अपना फोन ऑन करने की कोशिश करता है, पर वो ऑन नहीं होता और ना ही गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है। कैमी को लगता है कि शायद ये स्पेंसर जानबूझ के कर रहा है। इसके बाद कैमी अपना सामान लेके गाड़ी से बाहर निकल जाती है और वो खुद सोचती है कि आगे जाए। इस पर स्पेंसर उसके साथ आने का कहता है, जिस पे कैमी उसको मना करती है और कहती है कि वो उस पे ट्रस्ट नहीं करती। कैमी अकेले ही वहाँ से आगे जाने लगती है। थोड़ी देर उसको आगे जाकर एक रोड मिलती है, जिस पे बहुत ही डिफरेंट किस्म के साइंस लगे होते हैं। वहाँ एक रास्ता जंगल के थ्रू भी जा रहा होता है, लेकिन कैमी उसको इग्नोर करती है और मेन रोड पे ही आगे जाने लगती है। वहाँ मेन रोड पर भी उसको कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं। बहुत अजीब मैसेजेस होते हैं, जैसे कि कीप गोइंग, आई डेयर यू, ही कैन सी यू। यहाँ कैमी को किसी के आने की आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है और भागने लगती है। दूसरी तरफ स्पेंसर अपनी गाड़ी में बैठा होता है कि उसकी गाड़ी के पीछे हमें एक अजीब सा मेल फिगर देखने को मिलता है, जिसके चेहरे पर एक व्हाइट मास्क होता है और मास्क पे एक स्माइल बनी होती है। इस मेल फिगर की इस मूवमेंट को सुनते ही स्पेंसर गाड़ी से बाहर निकलता है। वो गाड़ी के पीछे जाके देखता है तो गाड़ी पे एक मैसेज लिखा होता है। ये मैसेज होता है, प्लीज पे द टोल मैन। अब स्पेंसर को लगता है कि शायद कैमी ने ये मैसेज उसको डराने के लिए लिखा है। वहाँ ही थोड़ी देर में कैमी भागती हुई आती है और स्पेंसर से बात करने पे उनको मालूम होता है कि वो एक सर्कल में फंस चुके हैं और कैमी जहाँ से गई थी भाग के वहीं पे वापस आ गई है। कैमी स्पेंसर से कहती है कि वो बाहर नजर रखे और वो गाड़ी में बैठ के चार्जर ढूंढने लगती है। चार्जर ढूंढते हुए कैमी को स्पेंसर के बैग से कुछ फोटोज मिलती है। वो फोटोज कैमी और उसके फादर की होती है। ये सब देख के कैमी को बहुत शॉक लगता है और वो स्पेंसर पे अब पहले से भी ज्यादा शक करने लगी है। तभी स्पेंसर कैमी के पास आता है और उसको बताता है कि वो थोड़ा आगे जाके देखता है कि आगे क्या है।
डैनी उस गाड़ी की डिग्गी में से एक एरो निकाल के सेफ्टी पर्पस के लिए अपने पास रख लेती है। स्पेंसर आगे जाता है जहाँ पे रोड की साइड पर एक रास्ता निकला है। उस रास्ते पे चलने पे उसको कुछ आवाजें आती हैं, जिनको सुनने के बाद स्पेंसर वापस अपनी कार में आ जाता है। यहाँ कैमी प्रोटेक्शन के लिए वो एरो अपने हाथ में पकड़ लेती है और स्पेंसर अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालने लगता है। अब यहाँ पे स्पेंसर को कैमी और उसके फादर की पिक्चर्स मिलती है, जिसके बाद वो कैमी से पूछता है कि उसने ये पिक्चर्स यहाँ क्यों रखी है। कैमी उसको बताती है कि ये पिक्चर्स उसको स्पेंसर के बैग से ही मिली है, जिसके बाद स्पेंसर और कैमी में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। कैमी स्पेंसर से पूछती है कि वो अपनी कार की डिग्गी में वो और एरो क्यों रखता है। यहाँ स्पेंसर बताता है कि उसको हंटिंग का शौक है, जिसकी वजह से वो गाड़ी में ही बो एंड एरो रखता है, और सिर्फ वो बातें ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोग उसको गलत समझते हैं। और वो कैमी से कहता है कि कैमी उसको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वो कोई सीरियल किलर हो। यहाँ कैमी अचानक से नोट करती है कि वो पिक्चर्स गाड़ी से गायब हो गई है, और तभी उन दोनों को बहुत ही अजीब तरीके से लाफ्टर सुनाई देता है। ये लाफ्टर सुन के दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद कैमी स्पेंसर से सॉरी कहती है और वो उसको बताती है कि अब उसको स्पेंसर पे ट्रस्ट है। स्पेंसर कैमी से कहता है कि कोई बात नहीं, और गाड़ी पे जिसने मैसेज लिखा है वो उनके आसपास ही है, और साथ ये भी कि ये कोई प्रैंक करने वाले लोग हो सकते हैं जो उनके साथ मजाक कर रहे हैं। कैमी स्पेंसर से कहती है कि शायद ये लोग उनको मारना चाहते हैं, और ये भी कि उसके दोस्त के दोस्त के साथ कुछ अरसा पहले एक सुनसान इलाके पे ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ कुछ लोगों ने उस पे हमला कर दिया था, पर वो दोस्त जान बचा के भाग गया था। स्पेंसर कैमी को बताता है कि वो डरे नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी कैमी को कार की विंडो पे वही मास्क पहना हुआ बंदा नजर आता है। कैमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर जब स्पेंसर बाहर देखता है तो वो फिगर गायब हो जाता है। स्पेंसर गाड़ी से बाहर जाने लगता है, जिस पर कैमी उसको मना करती है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा डेंजर है। कैमी उसको बताती है कि उसने एक एरो अपने पास रखा है सेफ्टी के लिए। स्पेंसर यहाँ गाड़ी के शीशे साफ करने लगता है ताकि वो दूर से ही आते किसी इंसान को देख सके। तभी एक स्टोन कार के शीशे पे आके गिरता है, जिससे कार का शीशा टूट जाता है। स्पेंसर गाड़ी की डिग्गी से वो बो एंड एरो निकाल के गाड़ी में आके बैठ जाता है। कैमी उससे पूछती है कि गाड़ी में क्या गिरा है, जिसपे स्पेंसर वो पत्थर उठाता है। उस पत्थर के ऊपर एक कागज लिपटा होता है और उस कागज पे लिखा होता है, दिस रोड इज क्लोज्ड, प्रोसीड द डिटोर टू पे द टोल मैन। स्पेंसर और कैमी बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक ट्रैक्टर उनकी तरफ आ रहा है। ये ट्रैक्टर उनके पास आके रुक जाता है, और उस ट्रैक्टर को चलाने वाली एक बूढ़ी औरत होती है। अब ये दोनों उन ओल्ड लेडी से हेल्प लेते हैं, जिसपे ओल्ड लेडी कहती है कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेंसर और कैमी उनको बताते हैं कि वो एक लूप होल में फंस चुके हैं। कैमी बताती है कि कैसे वो एक ही सर्कल में बार बार आके इसी जगह पे फंस जाते हैं, और ये कि वो ओल्ड लेडी उनकी मदद करे। साथ ही साथ वो बताती है कि जहाँ से वो ओल्ड लेडी आ रही थी वहाँ पे बहुत ज्यादा रोड साइंस भी लगे हैं। अब इसके रिप्लाई में ओल्ड लेडी कहती है कि वहाँ कोई साइन नहीं था। यहाँ अब ओल्ड लेडी डर के उनको कहती है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती, और ये भी कि वो लोग आमने सामने तो जरूर हैं बट अलग डायमेंशंस में। इस बात से स्पेंसर और कैमी डर जाते हैं, और वो ओल्ड लेडी कहती है कि अब वो टोल मैन की डायमेंशन में है, और साथ ही ये भी कहती है कि टोल मैन को अब बस डेथ चाहिए। इस बात से ये दोनों और ज्यादा घबरा जाते हैं, और ओल्ड लेडी फिर ये भी कहती है कि टोल मैन ने उनको खुद इस डायमेंशन में बुलाया था क्योंकि उसने डेथ को स्मेल कर लिया था। ओल्ड लेडी आगे ये भी कहती है कि आज उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा, और डेथ ही टोल मैन का टोल है, और ये दोनों उनकी रोड पर हैं। वो बताती है कि उसको ये सब इसलिए पता है कि किसी जमाने में उसका टोल मैन से आमना सामना हुआ था। वो ओल्ड लेडी टोल मैन से बच तो गई थी, लेकिन उसके टच करने पे ओल्ड लेडी को उसकी डायमेंशन नजर आती हैं। ये ओल्ड लेडी उन दोनों को कहती है कि वो दोनों ओल्ड लेडी को टच करके देख सकते हैं कि क्या वो सच बोल रही है या नहीं। यहाँ स्पेंसर ओल्ड लेडी को टच करने ही लगता है कि कैमी उसको रोक लेती है। कैमी उस ओल्ड लेडी को अपने डैड का नाम और एड्रेस देती है कि वो जाके उनके डैड को इन्फॉर्म कर दे, साथ पुलिस को भी भेजने का बोलती है। अब ओल्ड लेडी उनको कहती है कि यहाँ पर जहाँ वो फंस चुके हैं कोई भी नहीं आ सकता और ना ही कोई उनको देख सकता है, और अगर कैमी के डैड वहाँ आ जाते हैं और उनको कैमी नजर आ जाती है तो वो सब बहुत लकी होंगे। ओल्ड लेडी उनको कहती है कि कोशिश करें कि टोल मैन उनको ना देखे, क्योंकि अगर टोल मैन ने उनको देख लिया तो वो इन दोनों को ऐसी चीजें दिखाएगा जो कि इनको कमजोर कर देंगी। ये लोग फिर भी ओल्ड लेडी से हेल्प मांगते हैं, जिसके बाद ओल्ड लेडी
रॉनी वहाँ से चली जाती है। ये दोनों अब कार में वापस बैठ जाते हैं जहाँ पर कैमी स्पेंसर से कहती है कि वो ओल्ड लेडी इनकी मदद नहीं करेगी, पर स्पेंसर को लगता है कि ओल्ड लेडी सब झूठ बोल रही है। अब कैमी गाड़ी से बाहर जाने का सोचती है तो स्पेंसर उसको कहता है कि अगर वो बाहर गए तो वो लोग उनको मार देंगे। यहाँ कैमी का कहना है कि अगर वो मारना चाहते तो अब तक इन दोनों को मार चुके होते। इस पे कैमी कहती है कि ये एक गेम है और अब इनको ये गेम खेलनी होगी, और इसके बाद ये दोनों साथ निकल पड़ते हैं। ये दोनों रोड की साइड पे चल रहे होते हैं जहाँ पर कैमी स्पेंसर को आगे चलने को कहती है। स्पेंसर के हाथ में वो बो और एरो होता है और वो आगे चलने लगता है। थोड़ी ही दूर जाके इनको एक म्यूजिक सुनाई देता है जिसका मतलब ये होता है कि आखिरत आ चुकी है, एंड आ चुका है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पीछे मुड़ने पे इनको एक ग्रामोफोन दिखाई देता है जिसपे ये सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। साथ ही एक इन्विटेशन कार्ड होता है जिसपे कैमी के मामा और पापा का नाम लिखा होता है। ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो इनको एक ट्री हाउस जैसा कैबिन नजर आता है और वहाँ एक औरत भी दिखाई देती है। अचानक से इनके सामने एक आदमी की कवर्ड बॉडी नजर आती है जिसकी आवाज सुनकर कैमी पहचान लेती है। ये आवाज कैमी के फादर की होती है। कैमी उनको उतारती है और पूछती है कि ये सब उनके साथ किसने किया और किसने उनको मारा, तो वो बताते हैं स्पेंसर, और साथ ही कहते हैं कि स्पेंसर अब कैमी को भी मार देगा। अब वो इतना ही कहते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। कैमी अब रोने लगती है और स्पेंसर से लड़ने लग जाती है, जिसपे स्पेंसर कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। कैमी मुड़कर देखती है तो उसके फादर की डेथ बॉडी अब गायब हो चुकी है। स्पेंसर कैमी को बताता है कि टोलमैन ये सब उनको दिखा रहा है। कैमी देखती है कि स्पेंसर के पीछे अब टोलमैन खड़ा है। स्पेंसर टोलमैन पे एरो शूट करता है पर टोलमैन को कुछ भी नहीं होता और अब वो इनकी तरफ बढ़ रहा है। टोलमैन से बचने के लिए स्पेंसर और कैमी दोनों उस कैबिन की तरफ भागते हैं। यहाँ पर स्पेंसर कैमी को बताता है कि वो इस कैबिन को जानता है, वो बचपन में अपनी मॉम के साथ यहाँ आया करता था। थोड़ा गौर से देखने पर कैमी को रियलाइज होता है कि वो भी इस कैबिन पर आ चुकी है। ये सब एक टोलमैन की इल्यूजन है जो कि दिखा रहा होता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब स्पेंसर और कैमी उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी स्क्रीन होती है। वहाँ एक स्क्रीन ऑन होती है जहाँ पर एक लड़का और लड़की नजर आते हैं। दोनों ने बर्ड मास्क पहने होते हैं। कैमी वहाँ बैठ जाती है जहाँ पर उसको एक गन भी मिलती है। अब वो बर्ड मास्क पहनी हुई लड़की उठती है और कुछ कार्ड्स इनको दिखाने लगती है। उस कार्ड पे लिखा होता है कि टोलमैन को देख के पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, और दूसरे कार्ड पे लिखा होता है कि अब वो तुम लोगों को मार देगा। अब टेलीविजन की स्क्रीन चेंज होती है और वो दोनों उस स्क्रीन में नजर आते हैं। वो दोनों मुड़ के उस कैमरे की तरफ देखते हैं जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। स्क्रीन पे दिखाते हैं कि स्पेंसर कैमी को मारने वाला है। तभी स्पेंसर की तरफ कैमी अपनी गन पॉइंट कर लेती है। यहाँ स्पेंसर कैमी को समझाता है कि ये सब रियल नहीं है और वो जो देख रही है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। कैमी उसको कहती है कि उसने कार में बो एंड एरो भी इसलिए रखा था कि वो कैमी को मारना चाहता है। यहाँ पे स्पेंसर फिर से एक बार कैमी को समझाता है कि ये एक इल्यूजन है, एक ट्रिक है, और कैमी इस दफा उसकी बात मान लेती है। इसके बाद स्पेंसर उसको कहता है कि उनको कार में जाके ही बैठ जाना चाहिए, वहाँ टोलमैन उनको नहीं देख पाएगा। अब ये दोनों कैबिन के बाहर देखते हैं तो उनको वही बर्ड मास्क पहने हुए लोग बैठे दिखाई देते हैं। अब स्पेंसर और कैमी वहाँ से भागने लगते हैं तो वो बर्ड मास्क पहनी हुई लेडी उठती है और अपना मास्क उतार देती है। उसको देखकर स्पेंसर रुक जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर की मॉम है। वो लेडी स्पेंसर से कहती है कि स्पेंसर उनको हेट करता है क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और साथ ये भी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो स्पेंसर को बताना चाहती है जो वो पहले नहीं बता पाई थी। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है जिसके बाद स्पेंसर उसके पीछे जाता है। अब बर्ड मास्क पहना हुआ बंदा उठता है और यहाँ पर वो कैमी को बेहोश कर देता है। अब कैमी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की है जो कि रो रही है क्योंकि उसका दोस्त उसको छोड़ के जा रहा है। कैमी उस लड़की के पास जाती है तो देखती है कि ये कैमी खुद है, उसका एक यंगर वर्जन। कैमी अपने यंगर वर्जन को बताती है कि वो परेशान ना हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ यंगर वर्जन कैमी का उसको कहता है कि क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या लाइफ सब ठीक हो जाएगी। इस बात का कैमी के पास कोई आंसर नहीं था और वो चुप हो जाती है, और यहाँ पर यंगर कैमी गायब हो जाती है। अब यहाँ पर कैमी के आसपास बहुत से लोग आ जाते हैं। जिन लोगों में होते हैं कैमी के फादर, मदर, डॉक्टर, नर्स, एक पुलिस ऑफिसर और कैमी की दोस्त। अब ये सब लोग कैमी के पास्ट के बारे में उससे बातें करने लगते हैं जो कि कैमी को इमोशनली बहुत हर्ट करता है। एक्चुअली यहाँ पर कैमी को पास्ट की कुछ बहुत ज्यादा गलतियां याद आती हैं जिनकी वजह से कैमी के पेरेंट्स बहुत परेशान रहे थे। कैमी को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था, यहाँ तक कि पुलिस का भी सामना करना पड़ा था, और ये सब लोग कैमी को वही सारी बातें
याद करा रहे होते हैं। अब कैमी इन बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि सडनली वो सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब अचानक से कैमी को अपना एक ओल्डर वर्जन नजर आता है जो कि एक हॉस्पिटल बेड पे है। कैमी का ये ओल्डर वर्जन कैमी से कहता है कि आखिरकार जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो ही गया और एंड में कैमी पे जो गिल्ट था वो आखिरकार उतर ही गया। यहाँ हमें पता चलता है कि कैमी को उन सब बातों का बहुत ज्यादा गिल्ट है जो कि उसको परेशान कर रहा होता है। ये गिल्ट कैमी को अंदर से ही खा रहा था। ये ओल्डर वर्जन कैमी का कैमी से कहता है कि वो खुद को मार दे ताकि वो इस गिल्ट से फ्री हो जाए। यहाँ पर कैमी खुद सेंसेस में आती है और वो ओल्ड कैमी को शूट कर देती है। यहाँ पे कैमी दोबारा उठती है और देखती है कि स्पेंसर वहाँ पर आ गया है और अब ये दोनों यहाँ से भागते हैं। रास्ते में अब इनको बहुत ज्यादा मैनिक्विंस नजर आते हैं जो कि सबके सब टोल मैन जैसे होते हैं। यहाँ पर रियल टोल मैन भी आ जाता है। भागते भागते इनको वहाँ पर कुछ ओल्ड लेडीज भी नजर आती है जो नाइफ्स लेकर इनके पीछे भागने लगती है। यहाँ स्पेंसर और कैमी कार तक पहुंच जाते हैं और कार में जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर वो कार को टेप्स और ब्लैक कपड़े से कवर करने लगते हैं। यहाँ पे स्पेंसर की मॉम आती है और वो एक डॉल को गाड़ी के शीशे पे मारने लगती है और साथ साथ स्पेंसर से कहती है कि वो भी स्पेंसर को बहुत ज्यादा हेट करती है। यहाँ पर साथ ही कैमी को कैमी के फादर और फ्रेंड नजर आता है जो कैमी को पास्ट के इंसिडेंट याद दिलाकर परेशान करने लगते हैं। साथ ही साथ उनको वो ओल्ड लेडीज नजर आती है जिनके हाथ में नाइफ्स होती है। इस सब को देखते ही ये दोनों मिलकर जल्दी सारे शीशे कवर कर लेते हैं। अब ये दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं कि इतनी देर में कार स्टार्ट हो जाती है। यहाँ रियर कैमरा में टोलमैन उनको एक क्लिपबोर्ड पे मैसेज दिखाता है। ये मैसेज होता है कि टाइम चेक करो। अब यहाँ पर स्पेंसर का फोन खुद ही ऑन हो जाता है। स्पेंसर बताता है कि ये वही टाइम है जहाँ पर उनकी कार खराब हुई थी। यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि इस डायमेंशन का टाइम अलग चल रहा है। अब यहाँ पर रियर कैमरा में एक और मैसेज नजर आता है जिसपे लिखा होता है कि टोलमैन को सेटिस्फाई करने के लिए किसी एक को मरना होगा। कैमी यहाँ स्पेंसर को कहती है कि अगर उनको यहाँ से निकलना है तो उनमें से किसी एक को मरना होगा। अब यहाँ पर एक आएगा नया ट्विस्ट। कैमी स्पेंसर से कहती है कि स्पेंसर यहाँ से चला जाए क्योंकि ये सब कैमी की गलती है। पर यहाँ पर स्पेंसर कैमी से कहता है कि नहीं, ये सब स्पेंसर की वजह से हुआ है। ये सुनकर कैमी बहुत शॉक में आ जाती है और स्पेंसर से पूछती है वो ऐसा क्यों कह रहा है। इसके जवाब में स्पेंसर कहता है कि वो कैमी को यहाँ पर सिर्फ इसलिए लाया था ताकि वो कैमी को मार सके। ये सुनकर कैमी गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगती है जिसके बाद स्पेंसर उसका पीछा करता है। स्पेंसर उसको एक एरो मारता है जिसके लगने से कैमी जमीन पर गिर जाती है। स्पेंसर देखता है कि कैमी मरी नहीं है। वो एक और एरो लेकर उसके पास जाता है। यहाँ पर कैमी स्पेंसर की आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है जिसके बाद वो उससे वो एरो लेकर खुद स्पेंसर को मार देती है। अब यहाँ पर स्पेंसर और कैमी दोनों गिर जाते हैं। स्पेंसर मर जाता है और कैमी बेहोश हो जाती है। कैमी की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पुलिस भी है और उसके फादर भी, और वो उसको बचा के वहाँ से लेकर जा रहे हैं। वहाँ से जाते हुए कैमी को वो ओल्ड लेडी भी नजर आती है जिसको कैमी ने हेल्प के लिए कहा था, यानी कि वो ओल्ड लेडी सच में हेल्प लेकर आई थी। यानी कि कैमी अब टोलमैन के वर्ल्ड से निकल गई है और स्पेंसर के मरने से टोल अदा हो चुका है। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि अब इन सब चीजों के बाद कैमी अपने गिल्ट से फ्री हो गई थी और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।